मानसी जी, हमें लगता है कि पवन को ना स्कूल में चिढ़ाते हैं। पालम गांव एक खूबसूरत गांव है, मानो मनुष्य के लिए कुदरत का तोहफा। डॉक्टर स्नेहा नई उम्मीद, नए सपने और नए प्रयासों का पिटारा लेकर यहाँ पहुंची है। अरे आप समझिए तो सही गीतू जी, देखिए साथिया ना बहुत ही अच्छा है, आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं हमारे लिए, आप सुनिए पहले, आप सुनिए। नहीं ये सब नहीं चलेगा। आप मुझे नहीं चाहिए, अपनी बेटी के बारे में सोचिए, कितनी समझदार है। नहीं अरे आप सुनिए तो सही, आप ऐसे क्यों कर रही है। गीतू जी आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं इतनी समझदार लड़की है, सबने इसको चुना है, आप सुनिए तो सही गीतू जी। बिल्कुल एक बार आप हाथ को समझिए, ये सब लीडरी वगैरह हमको नहीं करना है। ये साथिया क्या है, ये सब हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। आपसे कोई मिलना चाहता है। शालिनी तुम कैसी है? ठीक हूँ, तुम कैसी? हमारी कहानी तो इतिहास बन के रह गई, कम से कम खुशी को तो फिर से एक नया इतिहास लिखने दो। हाँ कह दो, हमें किशोर किशोरियों को भटकने नहीं देना है, इनकी आवाज को सुनना है, इनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना है। इस सुकून की कोई कीमत नहीं, आज मुझे सुकून है क्योंकि मेरे सपने सच हो रहे हैं। हकीकत का चेहरा खूबसूरत होता जा रहा है। कदम भले ही छोटे क्यों ना हो, पर कमजोर नहीं होने चाहिए। मैडम जी ये बच्चे नहीं हैं, उम्र देखिए इनकी, जवान हो रहे हैं। क्या क्या होता है पढ़ाई के बहाने हम सब जानते हैं, आप हमें मत बताइए। बेटे को भी स्कूल से हटवा दिया? हाँ, वो खेती बाड़ी में हमारा हाथ बटा रहा है, पढ़ाई लिखाई की आड़ में बस हंसी ठट्टा होता है। ये लोग अब जवान हो रहे हैं, अलग थलग रहेंगे तो गर्मी कम चढ़ेगी। ये लोग किशोरावस्था में हैं, यही समय है जब बहुत जरूरत है इन्हें समझने की, इनके शरीर में आ रहे बदलावों को समझने की, इनकी भावनाओं को समझने की। अगर लड़का लड़की एक साथ पढ़ेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, अपनी बातें एक दूसरे के साथ नहीं बांटेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इन्हें अज्ञानता में रखकर, इनकी बातों को ना समझकर, ना सुनकर, इन्हें यूं अलग अलग रखकर अगर आपको लगता है कि समस्या का हल निकल जाएगा तो आप गलत हैं। हम आपको समझाने आए हैं, कोई नया कार्यक्रम लेकर नहीं बल्कि एक सच्चा प्रयास लेकर। स्त्रियों के ऊपर हिंसा, मानसिक तनाव, बलात्कार, इन सब की वजह अज्ञानता है और सबकी चुप्पी। अगर आप खुद इनसे बात नहीं कर सकते हैं, आपको झिझक होती है, तो कम से कम साथिया को तो बात करने दीजिए। भविष्य को गले लगाना है या अतीत के अंधेरे में ही अपना जीवन बिताना है, ये आपकी मर्जी। नमस्ते। ये शाम एक करवट लेगी और कल सुबह में बदल जाएगी। सोच और धारणाएं भी कुछ इसी तरह धीरे धीरे बदलेंगी। बदलाव कोई करिश्मा नहीं, एक लंबी रात के बाद सुबह के इंतजार की तरह है, पर यकीन है कि वो सुबह कभी तो आएगी। हमारे साथिया तैयार थे नवल और खुशी, दोनों 16-17 साल के किशोर किशोरी। साथिया यानी एक दोस्त,
जो आपकी मदद करे। जब भी मन में कोई बात हो, सलाह लेनी हो या कोई ऐसी बात जो आप किसी से नहीं कह सकते, वो आप साथिया से कह सकते हैं। इसीलिए हमारा काम था उन्हें ट्रेन करना, 6 दिन की ट्रेनिंग, ताकि साथिया ट्रेनिंग लेकर अपने हम उम्र दोस्तों की मदद करें। तुम लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जवान होते हुए बच्चे बहुत ही नाजुक मोड़ पर होते हैं। इस उम्र में बच्चों का शरीर बढ़ रहा होता है, लड़कियों को मासिक धर्म शुरू होता है, उन्हें अपनी छाती को दुपट्टे से ढकने के लिए कहा जाता है, लड़कों की आवाज़ बदल रही होती है, हम बच्चे से युवा हो रहे होते हैं, अपने शरीर में आ रहे बदलाव को देखकर हैरान होते हैं। और इसीलिए हम आपको बताएंगे कि इस किशोरावस्था में किशोर किशोरियों के मन में अपने शरीर में आ रहे बदलाव को लेकर किस किस तरह के सवाल उठते हैं। हम लोग स्कूल नहीं जाते, हम में से हर कोई घर के कामों में मदद करता है या खेती में। क्या आपको लगता है लोग हमसे बातें करने आएंगे? क्यों नहीं आएंगे, हर किसी को एक साथी की जरूरत है, एक ऐसा साथी जो सही जानकारी दे सके, जिससे वो खुलकर बात कर सके। सरपंच बाबू, ऐसे कार्यक्रम रोज आते जाते रहते हैं, इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, इससे ना कोई अमीर होने वाला है ना कोई गरीब। आप सबको तो याद होगा 2 महीने पहले ही भरे बाजार में एक 14 साल की लड़की को कुछ लड़कों ने छेड़ा था, उसका दुपट्टा खींचा था, उस लड़की का स्कूल छूट गया, उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। किसी ने भी उस लड़की से या उन छेड़ने वाले लड़कों से क्या उनके घर वालों से बात करना जरूरी नहीं समझा। अगर उन्हें भी एक दोस्त, एक साथिया मिला होता जो उनकी समस्याओं को सुन सकता, बांट सकता, तो तीनों आज हमारे साथ होते यहाँ पर। हम सभी माता पिता और गांव वालों को बोलेंगे कि जमाना बदल रहा है, हम भी साथ में बदलें। अब मैं खुशी और नवल को यहाँ बुलाना चाहूंगा। साथिया की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। मैं मानता हूं कि साथिया सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि किशोर और किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर एक नई क्रांति की शुरुआत है। एक साथिया की जिम्मेदारी किशोर किशोरियों में आ रहे शारीरिक बदलाव, शारीरिक स्वास्थ्य और खुशहाली, मानसिक स्वास्थ्य, गुप्त अंग और गुप्त रोगों की जानकारी, हिंसा के खिलाफ आवाज, अपने अधिकारों का परिचय और इस तरह की जरूरी बातों को लेकर इन्हें तैयार किया जा रहा है। ट्रेनिंग के बाद ये अपनी उम्र के किशोर किशोरियों से चर्चा करेंगे, उनकी समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयास करेंगे, एक दोस्त बनकर उनकी पूरी सहायता और मदद करेंगे। खुशी और नवल पालम गांव के पहले साथियां हैं। गांव के लोगों ने उनका सम्मान किया और इस अवसर पर उत्सव भी मनाया। कुछ लोगों ने साथिया कार्यक्रम का विरोध किया, लेकिन अब इस लहर को रोकना बहुत मुश्किल है। मन में कोई भी हिचक हो, एकदम खुलकर बोलो। यहाँ सोचना नहीं, यहाँ पर कोई तुम्हारे बारे में गलत धारणा नहीं बनाएगा। हमको कुछ कहना है, लेकिन यहाँ बहुत लड़की लोग हैं। स्नेहा दीदी, आप इनसे बात कीजिए, हम थोड़ी दूर जाकर खेलते हैं। ठीक है, चलो। तो लड़कियाँ चली गई भाई, अब तो बोलो। वो रात में हमको अजीब सा होता है। क्या, खुलकर बताओ भाई। हम कैसे बोले, हमारा वो गीला हो जाता है, हम बहुत परेशान हैं। दोस्त लोग बोल रहे हैं कि हम ऐसे ही कमजोर हो जाएंगे, कोई हकीम को दिखाएं, लेकिन हकीम पैसे मांगेगा, मैं बाबूजी को क्या बोलूं? तुम शायद स्वप्न दोष की बात कर रहे हो। देखो, तुम और हम जवान हो रहे,
तो हमारे साथ साथ हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि प्रजनन करने वाले अंग भी तो बढ़ रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि तुम और हम बड़े हो रहे तो किसी कल्पना से किसी विचार से स्वप्न तो छो जाते हैं, इस पर कभी कभार जोर नहीं रहता। आज तक इस गांव में एक दूसरे से चर्चा करने का संवाद करने का माहौल नहीं था, लेकिन आज सब खुलकर बात कर रहे थे। यही तो आजकल के किशोर किशोरियों को जरूरत है। मोबाइल फोन पर ऐसी ऐसी तस्वीरें, वीडियोस, जिनके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते, और ये पता नहीं कहां कहां से जानकारी लेकर आती। आज के समाज में उन्हें उत्तेजित करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इन्हें समझाने के लिए, शिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं। यही तो है आज के समय की पुकार जो आप कर रहे हैं। लेकिन कल आप लोग स्कूल जरूर आइएगा ताकि हम ये कार्यक्रम आगे बढ़ा सकें। नमस्ते। ये है पवन, सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि हर एक एक्टिविटीज में बहुत आगे है। इस बार हमारे यहाँ एक नाटक हुआ था, उसमें इसने एक लड़की का रोल लिया था। इतना अच्छा किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की है या लड़का। पवन जी। मैम, इन लोगों को तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है और तुम इन्हें स्कूल भी दिखा दो। ओके मैम। अरे पवन, सुना है टीचर तुम्हें हेड बॉय से हेड गर्ल बनाने वाली है। बन जाए तो हम दोस्तों को मत भूलना, कभी कभी हमारी बेंच पर भी आकर बैठ जाना है। नीलिमा, पेन और पेपर देना। ये मेरा नंबर है, अपनी मम्मी से कहना कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। जी मैम, हम उन्हें आपके बारे में बता देंगे। कल क्लास में मिलते हैं, ठीक है? जी मैम। ये चांची है मैम। हमारे यहाँ से चाय पिए बगैर कोई वापस नहीं जाता। बहुत अच्छी चाय है, चीनी कम। समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की है या लड़का।
मेरे पास एक पेरेंट्स बैठे थे और कहने लगे, इतनी सुंदर और इतनी होनार बहू मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। सुना है टीचर तुम्हें हेड बॉय से हेड गर्ल बनाने वाली है। जब हम किसी को चिढ़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो भूल जाते हैं कि दूसरे इंसान पर उसका क्या असर पड़ता है। पवन ऐसा ही एक संवेदनशील और मासूम लड़का है, जिसे स्कूल में मजाक का निशाना बनाया गया। उसके मन को गहरी ठेस पहुंची है, अक्सर उसकी आंखों से आंसू भी छलकते हैं, लेकिन उसकी शराफत ने उसके होंठ बंद रखे। मेरी आंखों से पवन का चेहरा हट ही नहीं रहा है, इतना मासूम, इतना प्यारा, पर सब उसको। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि उस टीचर को जरा भी उसके दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा। बैठिए, ये नीलिमा है हमारी आशा वर्कर, और ये शालिनी जी हमारी फुटबॉल टीम की कोच। नमस्ते। पवन ने मुझे बताया कि आप मुझसे कुछ बात कहना चाहती हो। मुझे लगा कि टेलीफोन पे आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी, हम पहाड़ी भाषा बोलते हैं। मैंने आपका पता ढूंढा और आपके सामने बात करने चली आई। बहुत अच्छा किया। दरअसल मैं आपसे पवन के बारे में बात करना चाहती थी। बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, भगवान की खास कृपा है। मानसी जी, हमें लगता है कि पवन को ना स्कूल में चिढ़ाते हैं। वो कहता है कि मैं स्कूल छोड़ दूंगा, इतना फर्स्ट आने वाला मेरा बच्चा रोज रोता है और सुबह उठकर स्कूल के लिए तैयार होता है, मेरे लिए चाय बनाता है और मैं उसके लिए परांठे बनाती हूँ। वो कहता है, माँ तूने अकेले मेरा इतना ख्याल रखा, मैं पढ़ लिख कर तुझे वो सब सुख दूंगा। तू कहेगी, पवन मेरे लिए ये ला, मैं ये क्या, मैं वो सब कुछ लाऊंगा तेरे लिए। और के पिता? मैंने उनको छोड़ दिया। रोज शराब और फिर मुझे पीटना। कौड़ी भर की तो उनकी कमाई नहीं थी, दूसरों का गुस्सा भी मुझ पे निकालते थे। एक दिन तो हद हो गई, उन्होंने मुझे बहुत पीटा। भवन ने मुझे दवा लगाते हुए कहा कि माँ तू इतना क्यों सह रही है। तू ये सब कुछ मेरे लिए सहन कर रही है ना माँ, तू मेरी परवाह मत कर माँ, हम दोनों साथ रहेंगे, कुछ भी होगा हम दोनों साथ खाएंगे। वो कहता है, माँ मैं खूब पढ़ाई करूंगा और तुझे एक दिन हवाई जहाज में घुमाने के लिए मुंबई ले जाऊंगा। अगर आप इसमें उसकी मदद करें तो भगवान आपको सुखी रखेगा। हम तुम्हें और पवन को क्या कहें? कल हम पवन के स्कूल जा रहे हैं, यकीन करो हम उसकी आंखों में आंसू नहीं चमक भर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, समय मिले
तू मेरे ढाबे पर जरूर आना खाने के लिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। जी जरूर। अच्छा अब मैं चलती हूँ। आइए मैं आपको वापस छोड़ देती हूँ। नहीं, मेरे पड़ोसी आए हैं, उनके साथ मैं चली जाऊंगी। आप बाहर मत आइए, आपको ठंडी लग जाएगी। सकती हूँ एक नई जान को सांसों में भर सकती।